हस्तमैथुन करने का सही तरीका, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करते रहते हैं। आपको यदि ज़रूरत है, कंसल्ट करने की कोई डाउट है, तो डेफिनेटली आप मेरा टाइम लेके बात कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ मास्टरबेशन अर्थात हस्तमैथुन, उसको हैंड प्रैक्टिस भी बोलते हैं, मुट्ठी मारना बोलते हैं, हिलाना बोलते हैं, जो भी कोई आज बोलते हैं आप, तो उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। हस्तमैथुन, इसका मतलब होता है हस्त माने हाथ, हाथ से किया हुआ मैथुन मतलब हाथ से किया हुआ सेक्स, उसको बोलते हैं हस्तमैथुन। हस्तमैथुन 13-14 साल के बाद में जब लड़का बच्चा पुरुष बन जाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसके बाद में करीब करीब 90% लोग हस्तमैथुन करते हैं, 90%। और लड़कियों में भी हस्तमैथुन लड़कियां करती है, और अलग अलग अभ्यास में ऐसा पाया गया है कि 60-70% लड़कियां हस्तमैथुन करती है। हस्तमैथुन यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है, हस्तमैथुन से कुछ भी नुकसान होता नहीं है। हस्तमैथुन में वीर्य कितना भी बाहर गया तभी कुछ होता नहीं है। हस्तमैथुन हर व्यक्ति ने करना ही चाहिए, क्योंकि वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी चैनलाइज करने का तरीका है। वो जो नो फैप मूवमेंट चल रही है, बकवास है। नो फैप मूवमेंट कुछ होती नहीं है, उसमें कुछ वीर्य अंदर रख के, अंदर अपने पास में स्टोर करके कोई ज़्यादा आयुष्यमान होता नहीं है, ज़्यादा उम्र होती नहीं है, ना उससे कोई ताकत बढ़ती है। वीर्य जो है वो बाहर फेंकने की चीज़ है, अंदर रखने कुछ होता नहीं है, अंदर करके कुछ फ़ायदा उसका है नहीं। हस्तमैथुन से कोई भी व्यक्ति कमज़ोर होता नहीं है, वीर्य जाने से कमज़ोर होता नहीं है। हस्तमैथुन से लिंग दुबला पतला छोटा कमज़ोर बिल्कुल होता नहीं, टेढ़ा बिल्कुल होता नहीं है। हस्तमैथुन एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हस्तमैथुन से वीर्य जाता है बाहर, तो वो कहाँ जाता है बाहर? बाहर जाएगा वो बाथरूम में जाएगा, वहाँ से वो नाली में जाएगा। सेक्स जब करते हैं तो वीर्य कहाँ जाता है? औरत की योनि में जाता है। औरत जब उठ के खड़ी हो जाती है, पेशाब को जाएगी जहाँ कहीं, तो वो बाहर गिर जाता है। वहाँ से कहाँ जाता है? बाथरूम से नाले में जाता है। इसका मतलब हस्तमैथुन से गया हुआ वीर्य, सेक्स में गया हुआ वीर्य, सपने में गया हुआ वीर्य, सभी वीर्य जाते हैं घर के पीछे के नाले में, उसका ठिकाना वहीं है। तो फिर कमजोरी कैसे आएंगी? यदि वीर्य जाने से कमजोरी आती है, तो सभी जिनकी शादियां हुई है और जो रोज़ सेक्स करते हैं, उनको कमजोरी आने को होना? लोग तो उल्टे मोटे हो जाते हैं सेक्स करने के बाद में। तो फिर हस्तमैथुन से ना दुबला पतला होता है खुद, या लिंग दुबला पतला होता है बिल्कुल नहीं होता है, गलत फहमियाँ हैं। वीर्य जाने से कुछ भी होता नहीं है, इतना ही है कि हस्तमैथुन की लत नहीं लगने को होना। हस्तमैथुन की लत मतलब आदत नहीं लगने को होना। यदि हस्तमैथुन की आदत लग जाती है, मतलब वो किए बिना मन शांत होता नहीं है, और 5-6 बार 8-10 बार दिन करते जा रहे हैं, इच्छा नहीं है तभी भी करते जा रहे हैं, वो घस घस के ऊपर छाले आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल करना नहीं है। वो आदत है, वो ऑब्सेशन कंपल्शन है आपको हस्तमैथुन का, और वो करना नहीं चाहिए। कैसा कि भाई बार बार करते जा रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इच्छा है तो करो, फिर रोज़ एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया तो भी चलता है, इच्छा है तो, नहीं तो नहीं करने का है। हस्तमैथुन में क्या होता है कि ऐसा लिंग है, ये ऐसी मुट्ठी है, ऐसा घर्षण होता है। अब क्या होता है कि कभी कभी हस्तमैथुन करते वक्त यदि हाथ यदि सूखा है और आप घस रहे हैं, तो उसके ऊपर छाले आ सकते हैं। इसलिए कभी भी हस्तमैथुन करना है तो आपने कोई लुब्रिकेटिंग जेल लाना है, उससे बहुत एक्साइटमेंट भी आएगा, मज़ा भी आएगा, बहुत ज़्यादा रफ नहीं रहेगा हाथ, यानी बिल्कुल चिकना हो जाएगा, उससे लिंग को बहुत मज़ा भी आएगा, चिकना भी होगा, जख्म भी नहीं होंगी, लाली भी नहीं आएंगी। हस्तमैथुन ऐसा करना चाहिए, लुब्स लगा के, लुब्रिकेंट्स लगा के। लेडीज़ ने भी वैसे ही करना चाहिए कि लुब्रिकेंट जेली मिलती है वो लगाना है क्लाइटोरिस को, जो क्लाइटोरिस है मतलब योनि लिंग, उसको ही लाके उसको स्टिम्युलेट करके थोड़ा उंगली डाल के ऐसा करना चाहिए। दोनों ने, पुरुष और स्त्री ने, कभी भी हस्तमैथुन करने के समय अपने हाथ धो लेना है, साबुन से हाथ धो लेने का है, साफ़ सफाई हाथ की, साफ़ सफाई लिंग की। लिंग कभी भी बेड के ऊपर घसने का नहीं है। बेड के ऊपर आप घसेंगे, कोई रफ़ कोई चीज़ के ऊपर घसेंगे तो जख्म हो जाएंगी, तकलीफ वाला कार्यक्रम है। इसलिए कभी भी जब हस्तमैथुन करते हैं तो चिकनापन होना जरूरी है, और उसके लिए लुब्रिकेटिंग जेली है या फिर अपना सादा खोबरे का ऑयल पैक तेल है जो एकदम स्टराइल है, एकदम अच्छा है पैक तेल, तो वो आप खोबरे का तेल वापर सकते हैं, फली तेल वापर सकते हैं, थोड़ा सा वापरना है जिससे आपको चिकनापन आ जाएगा।
मगर लुब्ज वापरे तो उससे एक्साइटमेंट भी बहुत अच्छा मिल सकता है। यदि हस्त मैथुन में बहुत जल्दी आपका वीर्य निकल जाता है, बहुत जल्दी, तो मज़ा आना है हस्त मैथुन में, तो फिर क्या करना होगा, आपको एनिस्थेटिक जेल का वापर करना पड़ेगा। आप एनिस्थेटिक जेल का वापर करते हैं तो लिंग सुन हो जाएगा, घर्षण कम होगा, ज़्यादा समय तक हस्त मैथुन चलेगा, ज़्यादा मजा आएंगी। हस्त मैथुन शादी के पहले सभी लोग करते हैं, शादी के बाद में भी हस्त मैथुन करते हैं। शादी के बाद में कब करते हैं, जब पत्नी बीमार है, सेक्स करने के लिए तैयार नहीं है, डिलीवरी हुई है, बाहर गाँव गई है, ऐसे कुछ कारण हैं अलग, जैसी MC चालू है, मेंस्ट्रुएशन चालू है, या और कोई कारण है, प्राइवेसी नहीं मिल रही है, तो ऐसे इसमें फिर जब पत्नी अवेलेबल नहीं है सेक्स करने के लिए तो आप कर सकते हैं। मगर पत्नी घर में रहने के बावजूद भी यदि आप पत्नी के साथ में एंजॉय नहीं कर रहे, उसके बदले हस्त मैथुन कर रहे, तो डेफिनेटली वो एबनॉर्मल है। कुछ लोग पत्नी के साथ में भी करते हैं, हाथ से भी करते हैं, दोनों भी करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हस्त मैथुन करने के लिए क्या होता है कि यदि आपको लेडी जैसा फील आना चाहिए तो कुछ डॉल मिलते हैं, समझो इतने इतने साइज़ का, ऐसा इतना, ये इतना साइज़ है, तो इतने साइज़ के ऐसे सिलिकॉन के या रबर के, फीमेल के नीचे के पार्ट जो होता है ना, नीचे का पार्ट, तो उतना ही पार्ट रबर का मिल जाता है, उसको वजाइना रहेगा, उसको एनस रहेगा, और वो नीचे का पार्ट ऐसा रेडीमेड मिलते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएंगे, तो उसमें आप वो बेड पर रख के, वो रबर है तो कोई जख्म होने का कारण नहीं है, और उसमें आप वैसी जो यूनि आर्टिफिशियल तैयार की डॉल में, उसमें लिंग का प्रवेश करके उसमें आप घर्षण कर सकते हैं और सेक्स का अनुभव ले सकते हैं। उसमें एक्चुअली सेक्स का अनुभव आ जाएगा, क्योंकि आप वो डॉल के वजाना जो है, यूनि है, उसमें कर रहे हैं सेक्स, तो उसमें सेक्स जैसा अनुभव आ सकता है, और उसको भी हस्त मैथुन ही बोलते हैं। तो इस तरह हस्त मैथुन यह नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, वीर्य जाने से नुकसान होता नहीं है, ना हस्त मैथुन से होता है, गलत फहमियाँ हैं, और नो फैप मूवमेंट ये बकवास है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।